वेलकम बैक एवरीवन टू हिमलैंड्स। तो हिमलैंड्स का जो हमारा लास्ट एपिसोड था गाइस, वो हमारी आज तक की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन एपिसोड था, क्योंकि पहली बार हिमलैंड्स की हिस्ट्री में हमारे साथ एक बहुत ही लकी चीज हुई थी। तो लास्ट एपिसोड में मैं एक बहुत बड़े एडवेंचर पे गया था, असली किंग ओडिन को मैं बेहोश करके लेकर आया था प्रोफेसर के पास, एंड मेरा प्लान था उसके दिमाग के अंदर जाना। तो गाइस, उसके दिमाग के अंदर जाके मुझे बहुत ज्यादा डीप थॉट्स को निकालना था, एंड मुझे वहां पर गाइस पता चलता है उसके वन ऑफ द डार्केस्ट सीक्रेट्स के बारे में। वो किसी एक बंदे की बात कर रहा था जिसके लिए वो वेट कर रहा है, जिससे वो मिलना चाहता है, और इन दोनों का प्लान है लाल रंग में पूरे के पूरे हिमलैंड्स को रंग देना, जो कि है खून का कलर। इसका मतलब समझे गाइस, ये पूरे के पूरे हिमलैंड्स के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। बट उसके दिमाग के अंदर होते होते गाइस एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। होगा लाला और काउंसिल लाला बंदा हमला कर लेते हैं किंग ओडिन को चोरी करने के लिए, एंड गाइस वो उसको उठा के लेके जाते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि मैं उनके दिमाग के अंदर घुसा हुआ हूं, एंड गलती से मैं उसके दिमाग के अंदर से इन लोगों के सीक्रेट ठिकाने तक पहुंच जाता हूं। और उनके सीक्रेट ठिकाने में मुझे दिखता है एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा स्कल। इस स्कल के अंदर क्या है? मुझे तो गाइस लगता है कि इसके स्कल के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले फ्यूचर में। तो आज हम लोग वहां पर जाएंगे और अनलॉक करने वाले अंदर क्या होने वाला है गाइस। इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक, और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लव यू सो मच एंड एंजॉय दिस एपिसोड। ओ माय गॉड गाइस, फाइनली मैं इस जगह के फ्रंट एंट्रेंस पे आ चुका हूं, जो मैंने वो हवा में उड़ते हुए देखा था किंग ओडिन को। मैं गाइस हद से भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं यहां पे कि ये क्या जगह है साला, इतना बड़ा मुंडी मुंह के सामने किसकी है ये। ओके, मुझे पता लगाना पड़ेगा। प्रोफेसर भाई प्लीज, अगर तू देख रहा है साले, जहां से भी देख रहा है मुझे यहां से तू बाहर निकालने की तैयारी कर ले तू स्टार्ट भाई। ए मैं अटक गया हूं यहां पे, मैं ऐसे आगे नहीं जा पा रहा हूं, मैं अटक गया हूं यहां पे गाइस, स्वेयर टू गॉड ब्रो, ये क्या हो रहा है, मैं अटक क्यों गया हूं यहां पे। अरे अरे मैं भूल गया गाइस, आई थिंक मैं पॉल मार के शायद से आगे चला जाऊं, मे भी हो सकता है। तो ठीक है, 1 2 3 लेट्स गो। What the hell भाई, कहाँ जा रहा उड़के? What the hell? मैं यहाँ पर कैसे आया? Bro, मैं almost वहाँ से आगे पहुँच। भाई, जैसे मैंने वहाँ पे पर्ल मारी, मुझे एक इनविजिबल सी फोर्स ने हिट किया। Guys, उस जगह का कोई ना कोई तो राज तो है। साला मेरे को उस जगह पे जाना पड़ेगा एक बारी। I have to go to that place, bro। वो जो भी जगह थी, वहां से आगे कुछ ना कुछ तो राज है। वहां पे गेट इतने बड़े बड़े बने हुए थे, इतना बड़ा स्कल था बना हुआ कि मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को यार। अभी गाइस मुझे जल्द से जल्द प्रोफेसर के पास जाना है। ओ वेट, कहीं ऐसे तो नहीं हो कि प्रोफेसर ने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया जैसे मैंने पर्ल मारी हो, और उसने भी सेम टाइम पे मुझे बाहर। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है गाइस। ओके गाइस, हम लोग अभी, मैंने कोऑर्डिनेट चेक किए थे पहले, और हम लोग ऑलमोस्ट 2,500 ब्लॉक दूर है अपने डार्क हिमलैंड से। तो भाई मैं वहां जाने वाला हूँ, बट कुछ भी बोलो गाइस, मैं सही सलामत जिंदा बाहर वापस आ गया उस जगह से। मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश। अभी तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। चलो भाई फटाफट निकलते हैं ब्रो, फटाफट निकलते हैं। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, सो मैं पहुंच चुका हूँ अपने प्रोफेसर वाली जगह पे, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क हिम वन टाइम। भाई ओके, मेरे को तो ये भी नहीं पता भी वो जिंदा है साला कि नहीं है जिंदा। पहले तो मेरे को ये चीज़ पता लगानी पड़ेगी। प्रोफेसर तू जिंदा है मेरे भाई, इधर देख पीछे, यहाँ देख, यहाँ यहाँ यहाँ। अरे भाई ब्रो, ओ माय गॉड यार गाइस, इस जगह को देखो भाई। जब मैं उसके दिमाग के अंदर, पहली बात तो तू मुझे एक बात बता, तूने किंग ओडिन के दिमाग के अंदर से तूने ही मुझे बाहर निकाला था ना ब्रो वहां पे है? और उस वर्ल्ड, जिस भी मैं जगह के अंदर मैं अभी गया था, यहाँ मैं अटका हुआ था, तू मुझे शायद देख रहा था राइट है? हाँ तू मुझे देख तो रहा था, मुझे लग तो रहा था। तूने बाहर मुझे वहां से निकाला था क्या? ये मैं वहां से खुद ही बाहर निकला हूँ। तूने मुझे बाहर नहीं निकाला था वहां से? होली शिट, इसका मतलब मैं सही था ब्रो। तो पता, जब मैं उसके दिमाग के अंदर था ना, तो जब यहाँ पर ये सारे के सारे धमाके हो रहे थे भाई, मुझे सब सुनाई दे रहा था। एंड आई एम टेलिंग यू, उन बेवकूफों ने ना मुझे गलती से उठा के लेके चले गए, एंड आई थॉट एक सेकंड के लिए कि मैं पूरा का पूरा पाथ है ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ में, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। भाई बीच में साला ब्लैक स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन करके उन्होंने पूरा पाथ ही इनविजिबल कर दिया मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं चला। भाई मेरे पास बहुत पड़ा हुआ यार, मैं तो कभी ना बहुत ही बैड न्यूज सुनाने वाला ब्रो, अभी एक बहुत बड़ी बैड न्यूज सुनाने वाला हूँ, तेरे को काफी बुरा लगेगा। बट तू मुझे बता भाई उस पर्टिकुलर जगह के बारे में जहाँ मैं फंसा हुआ था, पूरी हिस्ट्री चाहिए मेरे को उसकी। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो चुकी है ब्रो, ये बंदे ने मेरे को ना डरा दिया। एक्चुअली गाइस, जब मैं उस जगह पे अटका हुआ था ना, वो जो भी अजीब से डार्क कैसल टाइप था, ठीक है ना भाई साहब, तुम्हें पता है उस जगह के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है। मैं जो F3 दबा रहा था वहां पे F3 दब नहीं रहा था, इसका मतलब
दो चीजें होती है गाइस, कुछ जगहों पे एंटिटीज का कब्जा होता है तो वो लोग कोऑर्डिनेट को शो नहीं कराना चाहते नॉर्मल लोगों को, ठीक है ना। तो हुआ कुछ यूं कि क्योंकि प्रोफेसर मुझे देख सकता था तो भाई प्रोफेसर ने भी पता लगाने की ट्राई करी एंड इसने मुझे बोला कि वो जो जगह है ना वो हमारे हिमलैंड्स के वर्ल्ड से बाहर है कहीं पे, और वो एक ऐसी जगह जहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैं इतनी सीक्रेट जगह पर चला गया था अपने होगा लाला और साले उस काउंसिल की कि ब्रो उस जगह पे कोऑर्डिनेट्स ही नहीं थे, और इसने मुझे बोला कि तुझे ना वहां से बाहर फेंका गया है क्योंकि वो जो स्केलेटन जैसी जगह थी ना गाइस वहां पर कुछ तो बहुत ही बड़ा राज है जहां पर इनका कोई ऑटोमेटिक, तुम लोग ये मान के चलो ऑटोमेटिक एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना जो एकदम से अगर मान लो डिटेक्ट कर ले कि कुछ अनवांटेड चीज यहां पे आ चुकी है वो उस अनवांटेड चीज को बाहर फेंक देता है, मारने की जरूरत नहीं पड़ती बाहर फेंक देता है। तो जिस तरीके से गाइस ये सारे एंटिटीज हमारे लिए एंटिटीज है, हम लोग भी उनके लिए एंटिटीज है क्योंकि हम लोग उनके जैसे नहीं है, राइट। तो उस जगह ने जैसे ही मुझे डिटेक्ट किया कि भाई एक अजीब सा बंदा यहाँ पर आ चुका है, मुझे सीधा उड़ा के बाहर फेंक दिया हमारे वर्ल्ड में, और अब इसने बोला है कि वहां तक जाना इम्पॉसिबल है, हम लोग वहां पे कभी जा ही नहीं सकते, दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका है। एंड मुझे पता करना था यार कि वो सारी जगह कौन सी है क्योंकि गाइस कुछ ना कुछ तो उस जगह का राज है। प्रोफेसर दिमाग लगा, साले दिमाग लगा, तू बहुत इंटेलिजेंट, तेरा 600 IQ है ब्रो, दिमाग लगा, इस पूरे सुपर कंप्यूटर में सब कुछ तू खोज दे भाई, मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ, कोई भी अल्टरनेट चलेगा ब्रो, फटाफट खोज, एंड आई वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस ब्रो, आई हैव टू गो, ओके। एंड बाय द वे इसको मैंने सारी की सारी बातें बता दी है गाइस कि साला किंग ओडिन के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो जो भी वो बंदा है जिसको बात कर रहा था, जिसको ढूंढ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग अभी गाइस धीरे धीरे करके पता लगाना स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल को मुझे उस जगह पे दोबारा से वापस जाना है, बट ये इसने मेरे को ना हार्ट अटैक दे दिया, साला मुझे बोल रहा है कि भाई इम्पॉसिबल है वहां तक जाना, वो कोई तो ऐसी जगह जो हिमलैंड से बाहर है, कैसे हम लोग वहां पहुंचेंगे यार, फिलहाल को मुझे पता नहीं है बट पहुंच के तो मैं वहां पे रहूंगा भाई, तुम लोग टेंशन मत लो गाइस, तुम्हारा भाई ओपी बंदा है। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर साहब ने एक तरीका ढूंढ लिया, इसने गाइस पूरा का पूरा कंप्यूटर सर्च किया अपना जो सुपर कंप्यूटर है, और इसने बोला है कि जो वो जगह थी ना वो बहुत ही सीक्रेट जगह है। तो मैंने इससे पूछा कि भाई मैं क्या यार उस सीक्रेट जगह पे मैं पहुंच तो गया बट मुझे उसका रास्ता नहीं पता, तुझे उसका रास्ता नहीं पता, मैं कहा तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसने बोला गाइस कि उस टाइप की ना हजारों 10,000 से भी ज्यादा सीक्रेट लोकेशंस हमारे हिमलैंड्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसने बोला है कि जो ऐसी जगहें होती, कुछ ऐसी जगह होती है जिनका ट्रेस करना इम्पॉसिबल होता है, इन लोगों ने उन जगहों को बनाया ही ऐसी ऐसी जगहों पे होता है, जैसे कि वो सारे काउंसिल वाले बंदे हैं ना, इसने उनकी भी इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है, बोलता है वो जो सारे के सारे काउंसिल वाले बंदे हैं जो हमारे हिमलैंड्स के वर्ल्ड को चला रहे हैं वो लोग भी कुछ उन्हीं जगहों पे छुपे हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स निकालना इम्पॉसिबल है। बट गाइस क्योंकि जिस जगह पर मैं अभी फंसा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डार्क पावर से घिरी हुई जगह थी, लाइक वहां के ना एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन फील हो रहा था मेरे को, वहां पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। तो उसने बोला वहां पे बहुत ही ज्यादा डार्क नेगेटिव पावर्स इन्वॉल्व्ड है, तो वहां तक हम लोग एक तरीके से पहुंच सकते हैं। किस तरीके से गाइस? अगर हम लोग डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करें और वो हमारी इस मनोकामना को पूरी करे तो हो सकता है, तभी पॉसिबल है। तो प्रोफेसर साहब अभी मैं और तू वहां पे जाने वाले हैं, तो गाइस मैंने इसको बोला, इसने मेरे को अरे भाई कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, मैं अकेला भी तो जाऊंगा, तब भी क्या हो गया। इसने गाइस बाय द वे बहुत सारा गोल्ड वगैरह का जुगाड़ ऑलरेडी करके रखा हुआ है, एंड इसने बोला है कि हम लोगों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा एंड वहां पे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम सुनानी पड़ेगी अपने डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड को, तभी पॉसिबल, छुपा हुआ यार। चल भाई प्रोफेसर साहब मैं अकेला जाऊंगा यार, आर यू सीरियस डूड, तू मुझे अकेला छोड़ने वाला वहां पे, ऐसी हरकत करेगा तू, है तेरी पकौड़े, तेरे को मैं अभी यहाँ पे ना मार दूंगा, इसे समझा, मार दू क्या, चल मेरे साथ चुपचाप से। और मैंने इसको क्यों ही लगाया यहाँ पे, इसको फूट जाएगा भाई, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, दूर हो जा भाई, मर भी सकता है तू अभी यहाँ से, समझा, ये बहुत डेंजर चीज है। प्रोफेसर सारा का सारा गोल्ड अपने इन्वेंटरी में निकाल, जितनी भी चेस्टे भर सकता, जितनी भी जो भी भर सकता, ठीक है ना, सारे शल का बॉक्स भर दे और चल यहाँ से। गाइस अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करेंगे एंड हमारे पास एक आखिरी मौका है वहां तक पहुंचने का। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड, भाई यार पक्का होगा ना प्रोफेसर, मेरे को तो शक हो रहा है यार, बट इसने गाइस बोला हुआ है तो बेसिकली इसने ना सुपर कंप्यूटर ही चेक किया था एंड वहीं पे लिखा हुआ था, एंड गाइस तुम लोग को याद होगा, यस एग्जैक्टली दिस इज द प्लेस जहां पर हम लोग जाने वाले हैं। प्रोफेसर जितने भी तो सामान लेकर आया वो सब निकाल दे भाई, एक करके डाल इसके अंदर। बेसिकली गाइस जब भी हम लोगों को, तुम लोग ये मान के चलो इस वर्ल्ड के भगवान जो है ना वो है डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड। अरे ये तो बहुत सारी ये चीजें लेकर आया भाई, वैसे ये डालने की जरूरत है, तू गोल्ड गुड लेके नहीं, नॉर्मल वाला जो भी लाया सब डाल दे। अरे पीछे करी परा, जल्दी 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 जल्दी, मैं मारूंगा इसको। ओके ठीक है, मर गया ये मर चुका है, डाल जो भी माल है सब निकाल। ओ अबे गोल्डन बूट छोड़ भाई, तू गोल्ड डाल अंदर, गोल्ड डाल, जितना गोल्ड डाल सकता डालता रहा, शाबाश, और मैं भी डालता रहूंगा। ले ले ले
और भी तो गोल्ड लेकर आया हुआ है गाइस, हमको चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है जिस तरह। अरे भाई मैंने गलती से यहीं पे डाल दिया सारा का सारा, कैन पड़ो यार मैं। जितना भी माल है सब का सब अंदर डाल देंगे हम लोग, सब का सब। शाबाश हो चुका। अबे खुला हुआ है कब का, आजा आजा आजा। एक्सेप्ट कर चुके ऑलरेडी वो, जल्दी आ। ओके हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं थी। एंड अभी इसी के साथ गाइस आई थिंक ओ माय गॉड, ओके उन्होंने अपनी आंखें खोली, अभी जस्ट ब्लिंक किया हमको, सो ही इज अलाइव राइट नाउ। ओके प्रोफेसर, ओके ब्रो, नो हम जो की गलती हुई क्या हमसे, हम जो की गलती हुई क्या ब्रो, नो प्लीज 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 प्लीज। ओ मे बी हमको देख के खुशी के आंसू है ये, है प्रोफेसर ये भी तो हो सकता है क्योंकि देखो रोना बंद हो गया है। ओके ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपनी इच्छा रखने वाले हैं एंड आई थिंक उससे सब कुछ सही हो जाना चाहिए। यहाँ मत डाल ब्रो, यहाँ पर डाल के तुझे कूड़ा फैला रहा ब्रो, इनके लिए सब चीज़ें कूड़े के सामान ही है समझा। ओके तो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड जी, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल चीज को मांगने के आपसे आए हुए हैं। तो ऐसे हम लोग इतना ज्यादा चढ़ावा लेकर भी आए थे, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं क्योंकि आप यहाँ के भगवान हो तो आप यहाँ पे सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है इस वर्ल्ड के बारे में। तो आपको ये भी पता होगा शायद से कि हम लोग इससे पहले, मैं इससे पहले एक बहुत ही अजीब सी जगह पर चला गया था, मुझे दोबारा से उस जगह पर वापस जाना है। एंड प्रोफेसर ने मुझे बताया कि वहां पर जाना इम्पॉसिबल है, उस जगह को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है हम जैसे लोगों के लिए। तो वहां तक जाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है एंड बस मुझे एक बार वहां तक आप पहुंचा दो एंड आई बी मोर देन हैप्पी मैन। प्लीज हमारी ये वाली इच्छा मान लो, मत फेंक भाई तू पागल है क्या प्रोफेसर, प्लीज अंडरग्राउंड लॉर्ड हमारी ये वाली इच्छा आप मान लोगे तो हम आपके बहुत ज्यादा आभारी रहेंगे। ये सर हमेशा आपके सामने हमेशा झुका रहेगा, हमें पता है आप हमारी बात जरूर मानने वाले। प्लीज 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 मान जाओ, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। भाई कुछ नहीं हो रहा है प्रोफेसर, वो सुन रहे हैं ना हमारी बात, पक्का तेरे को लग रहा है? आई डोंट नो, कुछ नहीं हो रहा है, वही मैं तेरे को बोल रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अंडरग्राउंड लॉर्ड मुझे पता है आप सुन रहे हो, आपने से पहले रोए भी थे, आंसू भी आपके आए थे, खुशी के आंसू, एंड आई नो वो खुशी के ही आंसू थे। प्लीज हमारी ये इच्छा मान लो, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा मिशन प्लान कर रहे हैं वहाँ पे, इतने ज़्यादा आर्मर्स, इतना कुछ वहाँ पर था कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा डेंजर काम करने वाले हमारे हेमलैंड्स के लिए, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे यहाँ पर वो। प्लीज़ हमारी वाली इच्छा मान लो आप, अंडरग्राउंड लॉर्ड प्लीज़। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, मैं वही बोल रहा हूँ भाई, क्या करे क्या कर, भाई साले जो मैं बोल रहा था वही बोल रहा यार, क्या करे, मेरे को तो नो आइडिया ब्रो, सच बता रहा हूँ मैं, पता नहीं। ओके ब्रो आर यू श्योर कि असली है ये, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किया तो था इनकी पूजा एक बारी, कुछ मुझे रिजल्ट तो मिला था, बट आर यू श्योर कि असली है ये, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये नकली है, मुझे शक्ल देख के इनकी लग रहा है कि नकली है भाई ये बंदा, ये जो ओके मैं मजाक कर रहा था, प्लीज मेरी अभी ना जो दिल की धड़कन स्किप हुई है ना माँ कसम रियल लाइफ के अंदर ना, मैं मजाक कर रहा हूँ प्लीज आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था अंडरग्राउंड लॉर्ड आई एम सो सॉरी, मुझे यकीन हो चुका है कि आप असली हो। भूता कौन है मुझ पर सवाल उठाने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आया था, प्लीज आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। काम की कीमत होती है और बिना उस कीमत के वो काम पूरा नहीं होता। कीमत, कैसी कीमत, क्या कीमत? जिस जगह तू जाना चाहता है वहाँ तेरे जैसे तुच्छ प्राणी नहीं जा सकते। तुच्छ प्राणी नहीं तो हम लोग जाएंगे कैसे लेकिन वहाँ पे, प्लीज हमें कुछ गाइडेंस दो प्लीज। अगर जाना चाहता है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी प्रोफेसर क्या बात कर रहे हैं, क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, किस टाइप की कुर्बानी की बात कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। अंडरग्राउंड लॉर्ड प्लीज हमें स्पेसिफिकली बताइए आप कि आप किस टाइप की कुर्बानी की बात कर रहे हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं चला जाऊंगा, प्लीज बताइए। हेलो अब इनकी आवाज बंद होगी, प्लीज बताइए, प्लीज हेलो प्लीज बताइए किस टाइप की कुर्बानी की बात कर रहे हो आप। प्रोफेसर भाई प्लीज पता करवाए इनसे, कुछ टाइप कर नीचे। कुछ है कोई भी सबसे ज्यादा कीमती चीज, कोई भी सबसे ज्यादा कीमती चीज। ओके तो तेरे पास भी कुछ आया मेरे को दे, क्या मतलब इस बात का, क्या लेकर आ जा और तेरा काम हो जाएगा। अरे भाई पर सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, अंडरग्राउंड लॉर्ड प्लीज मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा कीमती क्या है, ऐसा भी क्या हो सकता है कीमती। देखो गाइस मेरे पास इस वक्त जो सबसे कीमती चीज है वो मेरा आर्मर है, देखो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल आर्मर है, बाय द वे ये कीमती नहीं है आपके लिए, ऑनेस्टली बताऊं प्रोफेसर ये मेरे लिए कीमती नहीं है। अगर कल के लिए गाइस ये आर्मर मेरे इससे निकल भी गया, मैं पूरा का पूरा जो माइनक्राफ्ट गेम है ना, मैं पूरा का पूरा गेम अपने आयरन के आर्मर में भी खेल सकता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ये स्वॉर्ड तगड़े वाली है, एक्स तगड़े वाली है, आर्मर तगड़े वाला है,
या कुछ भी तगड़े वाले, लाइक सोना भी बहुत कुछ होगा ना मेरे पास, अगर सोना डायमंड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता माइनक्राफ्ट के अंदर, तो ये चीजें मेरे लिए कीमती तो नहीं है। और उस पर लिखा हुआ था कि कोई भी सबसे कीमती चीज मेरे लिए क्या हो सकती है, 6 मिलियन डायमंड। नहीं भाई, मेरे को तुम 6 मिलियन डायमंड भी दे दोगे तो मेरे लिए वो कीमती नहीं है। इस माइनक्राफ्ट गेम के अंदर मेरे लिए डायमंड्स कीमती नहीं है भाई। हाँ मुझे खुशी हो सकती है, पर सबसे ज्यादा कीमती नहीं है। अंडरग्राउंड लॉर्ड, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप ही मुझे कोई ना कोई हिंट दे दो यार, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही बाय द वे, कुछ हिंट दे दो जो आपने इससे पहले दी थी उसी तरीके से, कुछ फेंक दो ऊपर से यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि मेरे तो दिमाग में कुछ ही नहीं आ रहा प्रोफेसर, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए सबसे कीमती क्या। ओए तो कुछ कुछ आया इन्वेंट्री में तेरी, मुझे आवाज़ आई है जैसे बेबी। ए मेरे इन्वेंट्री में आया मेरे, व्हाट ब्रो ये पढ़ क्या लिखा हुआ है, व्हाट द हेल, नो फ्रीकिंग वेस्ट डूड, नो फ्रीकिंग वेस्ट, थैंक्स यार मेरे पे दोबारा। Bro, are you serious? किसी बंदे की कुर्बानी। प्रोफेसर तेरे को पता है मेरे लिए इस उसमें सबसे ज्यादा कीमती क्या है, मेरे लिए इस पूरे के पूरे सर्वर के ऊपर मेरे दोस्त सबसे ज्यादा कीमती है ब्रो। Oh my God! जल्दी आ बाहर। Oh shit! समझ इसका मतलब क्या प्रोफेसर, मेरे को अपने किसी दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी है? ऐसा नहीं मत करो। अरे ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो पागल है क्या यार, मैंने दोस्त को थोड़ी मारूंगा किसी को यार, कुछ और फिगर आउट करना पड़ेगा हमको शायद से कुछ और। ये कैसी आवाज आ रही है, आई डोंट नो ब्रो। प्रोफेसर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बात है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। प्रोफेसर दिमाग लगा, मैं क्या करूंगा। देखो गाइस मैं एसजीओ के ऊपर तो वो कर नहीं सकता कुछ भी सीन है ना, क्योंकि एसजीओ तो पता नहीं कहाँ पर है, और ड्रीम बॉय स्मार्टी क्या व्हाट, एक और पेपर है जो मैंने अभी देखा। अरे भाई प्रोफेसर क्या कर रहा, ऊपर से पर्चे गिराए जा रहे हैं अंडरग्राउंड लॉर्डर, आप मुझे अब जाके बता रहे हो यार। कौन सा है, एक और तरीका है पर 6 मंथ्स लगेंगे। ओ या तो किसी बंदे की कुर्बानी देनी पड़ेगी या तो 6 महीने लगेंगे। बच गए, तू सही बोल रहा है प्रोफेसर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, जो सोच रहा है मैं भी वही सोच रहा हूँ। अब हम लोग 6 महीने बिता सकते हैं इस काम को करने में, लेकिन यार अपने किसी दोस्त की कुर्बानी देनी नहीं पड़ेगी, मुझे भी इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है ब्रो। ऊपर देख बारिश भी एकदम से ठीक हो चुकी है। प्रोफेसर तू एक काम कर, ठीक है मैं फिगर आउट करता हूँ कि ये 6 महीने वाला तरीका कौन सा, तू जा घर वापस, ठीक है ना, और अपना काम वगैरह करना स्टार्ट कर ले, उस जगह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ तो निकाल, ठीक है ब्रो, मैं तुझे बहुत जल्द मिलता, ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच पर्ल्स वगैरह देने के लिए, तू जा मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना ब्रो, जा जल्दी जा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोफेसर तो दूर जा चुका है एंड अभी इसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। गाइस मैं 6 महीने का वेट नहीं करने वाला हूँ, तुम लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 6 महीने का मैंने वेट किया तो 6 महीने में तो बेसिकली तुम लोग मान के चले वीडियो 6 महीने के बाद अपलोड हो रही होगी, और क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं 6 महीनों के बाद वीडियो डालूं, मैं पागल हूँ क्या है। गाइस ये जो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है ना, ये वाली चीज़ किस बंदे की कुर्बानी, आई एग्जैक्टली नो कि किस बंदे की कुर्बानी मुझे देनी है, एसजीओ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी कुर्बानी मैं कभी भी नहीं दूंगा। बट तुम लोगों को पता है गाइस कि ड्रीम बॉय अभी कुछ टाइम से लेकर किंग गोर्डन का साथ दे रहा है, उसको ये पता भी नहीं, उसको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, बट वो जान मूझ कर किंग गोर्डन का साथ दे रहा है, एंड मुझे भी ये प्रटेंड करना पड़ रहा है कि किंग गोर्डन अच्छा है, बट तुम लोगों को पता है कि फेक किंग गोर्डन हम लोगों ने उनको दिया हुआ है। तो गाइस मैं देने वाला हूँ ड्रीम बॉय की कुर्बानी एंड आई डोंट केयर, मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं उसकी कुर्बानी देने वाला हूँ, बिकॉज मैं 6 महीने का वेट नहीं कर सकता उस जगह पे जाने के लिए, मुझे एमलैंड को तो बचाना ही बचाना है, बट मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अंडरग्राउंड लॉर्ड जी आई एम हेयर, मैं आपको जुबान दे रहा हूँ। ओ माई गॉड, उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। ओके आई नो कि आप समझ चुके हो कि मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ड्रीम बॉय की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, आप जस्ट मुझे एक बात बोलो कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, पूरा अपने आप खोल रहा है ये, करना क्या पड़ेगा एग्जैक्ट, आप बस मुझे हुक्म दो, मैं वही करने वाला हूँ, अब मैं तैयार हूँ ड्रीम बॉय की कुर्बानी देने के लिए। अरे 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 आप रोना बंद करो, आई नो आई एम, देख रहे हो तुम लोग गाइस डार्क अंडरग्राउंड अभी रो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई हम लोग लिटरली कुर्बानी देने वाले ड्रीम बॉय की, बट कोई बात नहीं, आप डोंट वरी, ओके मैं पूरा का पूरा पर्दाफाश करके, आप बस मुझे कोई चीज पकड़ाओ जल्दी जल्दी, क्या करना है मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। कमन ऐसे लगा ऊपर से किसी ने फेंका किसी बंदे ने। ओके क्या ये, बस ये पोशन डाल दियो मारने से पहले, क्या नाम इसका, स्लैश पोशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ओके गाइस लेट्स जस्ट गो नाउ, अभी भाई ओह माय गॉड, भाई मैं करने वाला, ये मेरे को करना पड़ेगा गाइस। तुम लोगों को पता है ना, ड्रीम बॉय ने पिछले कुछ टाइम से लेके क्या दादागिरी झाड़ी हुई, क्योंकि वो बंदा किंगडम का राजा है, बंदा किंगडम का राजा है तो पूरे तरीके से दादागिरी झाड़ रहा है किंग गोर्डन के उसमें आके, है ना, उसको ये पता भी नहीं था कि भाई जब मैं आ रहा हूँ स्मार्टी पाई आ रहा है तो भाई दोस्ती का फर्ज अदा करे यार, बट ना 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 भाई हमारा असली दोस्त कौन है, साला किंग गोर्डन। अब बताता हूँ मैं इसको, मैं इसकी कुर्बानी देने वाला हूँ, मैं जाऊंगा मैं उसको मारूंगा, उसके बाद जहाँ भी रिस्पॉन्ड होगा देखी जाएगी भाई, ठीक है ना भाई, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, अभी चलते गए फटाफट। इनफैक्ट मैं ना
किंगडम नहीं जाने वाला, किंगडम में गाइस बहुत सारे बंदे होंगे। मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं ड्रीम बॉय को अभी, ठीक है? डायरेक्ट कॉल एंड बाकी देखी जाएगी। ओके, कॉल जा रही है। हेलो। और भाई जी कहां, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ क्या कर रहे हैं? मैं तो बढ़िया। सुन मेरी बात, मैं एक कोऑर्डिनेट भेज रहा हूँ, जल्दी जल्दी आओ हिमलैंड्स में उस कोऑर्डिनेट पे, जल्दी आओ। क्या सीन हो गया भाई? जल्दी जल्दी आओ आप, अभी सीन होगा, जल्दी आओ। अरे भाई आप बोल रहे हो, भाग के आता हूँ, रुको यार। आ जाओ जाओ फटाफट आ जाओ। अरे भाई कुछ सीन है तो बोलो, आर्मी लेके आऊँ बंदे पे। आर्मी नहीं चाहिए भाई, अकेले आओ, जल्दी आओ लेकिन, ठीक है? अकेले आना है? हाँ, टूल्स वगैरह लाने हैं क्या? ला दो ला दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पेल देंगे। यो व्हाट्सअप ब्रदर्स माइटी भाई, मैं पहुंच गया उस कोऑर्डिनेट के बहुत आसपास। आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरे को आपकी आवाज आ रही है, जल्दी आओ। कहाँ पे हो आप? मैं बिल्कुल बस एकदम सीधे सीधा डायरेक्शन में आ रहा हूँ यार। आप हो किधर? किधर से आ रहा है? अरे सामने से। तो भाई जो आपने कोऑर्डिनेट बोले है ना, मैं यहाँ पे बस पहुंचने वाला हूँ लिटरली। मुझे दिख गया, मुझे दिख गया, सामने को आ जा। देख सामने को मेरा नेम टैग दिख रहा होगा, सामने को आ जा। मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा, सामने देख, राइट में आ जा। दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। भाई इतनी दूर क्यों बुलाया आपने, ये फालतू सी भंगार जगह पे? भाई ये भंगार सी जगह पे किसी को भंगार बनाने के लिए बुलाया मैंने आज यहाँ पे? अरे किससे फेलना है भाई, नाम बताओ बस, फेल देंगे साथ में मिलके। वो एक ऐसा बंदा है ना जो एक बहुत बड़े नल्ले का साथ दे रहा है इस वर्ल्ड में, उसको मारना है आज किसी भारत में और छोड़ना नहीं है भाई। मतलब एक नल्ला है ना, एक नल्ला है ना हमारे वर्ल्ड में किंग ओडिन नाम का, उसका बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। उस बंदे को फेलना है आज यहाँ पे इसी जगह पे, मरियल सी जगह पे। धमकी दे रहे हो क्या भाई मेरे को फालतू में? क्या आपको क्या लग रहा है मैं आपकी बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली किंग ओडिन के साथ इस टाइम कौन खड़ा है? क्यों खड़े हो ड्रीम बॉय उसके साथ, मुझे बताओ। वो बंदा ठीक है? वो कैसे ठीक है? वो यही रीजन है कि आज आप यहाँ पे मरने वाले हो, यही रीजन की वजह से। भाई आपको पता नहीं है अंदर की बात क्या है, आप बाहर बाहर की बात जान के ना सिर्फ और सिर्फ उसको दोषी समझ रहे हो और मेरे को भी उसके साथ दोषी समझ रहे हो। जबकि भूलना मत मैं आपका स्टार्टिंग से कितना अच्छा दोस्त हूँ। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे ही थे, बट आज कल ये बंदा चेंज हो चुका है पूरे तरीके से, किंग ओडिन का साथ दे रहा है यार। भाई आज तुम बचोगे नहीं ड्रीम बॉय, आपको भी देना चाहिए। वो बिल्कुल भी नहीं, किंग ओडिन के राज के बारे में आपको पता नहीं है जो सब मैंने पता लगा दिया है। तुम्हें समझाने का फायदा तो है नहीं है, तुम्हें समझाने का फायदा नहीं, मानना तो तुमने है नहीं है, क्यों है ना? तो आपने मेरे को इतनी दूर यहाँ पे मारने के लिए बुलाया है, मेरे को पेलने के लिए? भाई ऐसा पेलेंगे कि दोबारा से पेले नहीं जाओगे उसके बाद कभी, समझे? भाई देखो अगर फाइट करनी होती ना तो एक बार बोल दे देखी मेरे को बंदे लाने आया। बंदे क्या, मैं अपनी एक्स लेके आता सिर्फ, जो मेरी प्यारी एक्स है उससे फिर मैं बताता एक्स से क्या करोगे भाई, एक्स से क्या करोगे, ऐसी दम नहीं है क्या लड़ने का? हैं ठीक है भाई, अगर भाई चैलेंज कर रहे हो तो ओके, ऑलवेज एक्सेप्टेड भाई, कोई सीन नहीं है। भिड़ना है क्या? भिड़ना है तभी बुलाया भाई यहाँ पे, तेरे को आज मैं बताता हूँ कि असली पावर क्या होती है ब्रो। भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, मेरे बारे में बोलते मैं सुन भी लेता, लेकिन किंग ओडिन के बारे में फिर तुम गलत बोल रहे हो। तेरी ऐसी की तैसी, तू किंग ओडिन का साथ देगा है? किंग ओडिन का साथ देगा या फिर मैं? आ जा, क्या करूँ? आज देखी जाएगी गाइस, आज देखी जाएगी गाइस। है क्या हुआ, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है भाई, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कुछ हर्ट्स नहीं जा रहे हैं मेरे, घंटे के हर्ट्स नहीं जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे? कोई बात नहीं जा रहे, मैं तो मारता रहूंगा। आजा 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 बच्चों, अभी आपका भरता बनाता हूँ स्मार्टी भाई, आ जाओ। अबे ये व्हाट द हेक ब्रो, ए भाई बस भाई मेरे को पता था पीवीपी करने के बाद में आप ये सब चीजें ला रहे हो क्या? ये सब आजा पीवीपी करेगा, आजा आजा मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी, आजा। कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है अबाना? ये देखो भाई कुछ तो है कि उसका रहा बंदा, टच ही नहीं हो रहा अबाना। साई साले सामने आ भाई, क्या है सामने क्या? आ क्या? सामने आ मेरे भाई, ये क्या है, कमाल कर रहे हैं स्मार्टी भाई। मतलब मैं चाह के भी आपको मारना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ हम लोग आपस में सॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि तुमने मुझे बहुत बार धमकियां मारी है, बहुत धमकियां मारी जिंदगी में आज तक। स्मार्टी भाई मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, लड़ना नहीं चाहता है, लड़ना नहीं चाहता, साथ में मिलकर लड़ना नहीं चाहता है, लड़ना नहीं चाहता। वेट, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6-7 हर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम अब भूल गए ये सारी चीजें, हम लोगों ने हिमलैंड्स को कैसे बचाया है? मेरे को सब याद है, मेरे को सब याद है ब्रो, मेरे को सब याद है। आपने सब याद है मिलके कैसे मार रहे हो ना, कैसे बचाया था, मेरे को सब याद है ब्रो। लेकिन शायद तुम भूल गए थे, तुम भूल गए थे शायद जब किंग ओडिन आया था कि स्मार्टी पाई भी कोई बंदा है। ये क्या है, ये क्या मारा आपने मेरे पे ब्रो? मेरे पास सिर्फ 2 हर्ट है स्मार्टी भाई, 1 हर्ट है मैं मर जाऊंगा, सच बोल रहा हूँ। मर जाओगे, हम लोग दोस्त ये है ड्रीम बॉय, इस सदी की सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी है इस दुनिया की, समझा? और भाई साहब ये मरा, ये क्या छूटा नीचे, और नीचे क्या लिखा था, ये कांट रिस्पॉन्ड इन हिमलैंड्स एवर। ओके ये कुछ अजीब सी हरकत हुई है यहाँ पे अभी, आई डोंट नो उस पोशन की वजह से हुआ या किस चीज की वजह से हुआ, बट हमारे को दिल तो मिल चुका गाइस। और ये सामने इतनी अजीब सा क्या है ये भाई बना, गायब हो गया।
ओके मैं जा रहा हूँ गाइस, मैं अभी इस बारे में सोचने नहीं वाला हूँ। नैना ड्रीम भाई की जो कुर्बानी दी है ये जान मूछ कर दी है, क्योंकि हम लोगों को उस जगह पे जाना ही जाना, बिकॉज वी हैव टू फिगर आउट कि चल क्या रहा है भाई वहाँ पे। आई डोंट नो कि मैंने सही किया कि गलत किया, बट ये चीज़ करना बहुत जरूरी था, बिकॉज ड्रीम बॉय एक ऐसा बंदा है गाइस जो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। साला किंग ओडिन का इतना साथ दे रहा है तो इसको तो मारना बनता था भाई। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं पहुंच गया हूं यहां पे, एंड एक बात बताऊं, साला ये ड्रीम बॉयज हर्ट को खाने का ऑप्शन भी आ रहा है, मैं इसको खा भी सकता हूँ। अच्छी भाई, इससे पहले कि कुछ कांड हो जाए मैं इसका इस्तेमाल कर देने वाला हूँ। पहले ना अपने आप को पूरा का पूरा अपना हंगर बार फुल कर देते हैं। एंड गाइस अगर देखो, हम लोग यहाँ से आगे तभी जा सकते हैं जब ये हमारी कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो अंडरग्राउंड लॉर्ड जी, ये रहा हमारी कुर्बानी का दिल, क्या कुछ होगा? ओके ओके ओके, वी आर गोइंग देयर गाइस, वी आर गोइंग बैक, वी आर गोइंग बैक। ओ माय गॉड, लाल आंखें हो चुकी उनकी। ओ शिट, अंडरग्राउंड लॉर्ड प्लीज मुझे उस जगह पे भेजिए। अब मैंने आपका सारा का सारा काम कर दिया, आई नो आपको बहुत दुख हो रहा है, बट स्टिल यू कैन डू दिस मैन, प्लीज पहुंचा दी। व्हाट ब्रो, होली शिट डूड, मैं डायरेक्ट यहां पे टेलीपोर्ट हो चुका हूं। वो भी गाइस पीछे देखो, साली इनविजिबल वॉल के दूसरी साइड आ गए इस वक्त मैं। ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड गाइस। अब इसका राज मैं अभी पता करने वाला यहां पे। ब्रो ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है गाइस, मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट फिलहाल को नहीं हो रहा है ड्रीम बॉय को मारने का। देखो गाइस, दुख तो मुझे हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मेरे को अपने ड्रीम बॉय प्यारे मित्र का सफर खत्म करना पड़ा, मुझे लगा नहीं था कि वो हिमलैंड्स के लिए हिमलैंड से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, ये तो मेरे लिए शॉकिंग है। बट गाइस दूसरा रास्ता था 6 महीने बाद, मैं 6 महीने के बाद वीडियोज नहीं बना सकता भाई, तो आई हैड टू डू दिस मैन, और मुझे जगह का राज पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना गाइस। और ऐसे भी ड्रीम बॉय ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग तो खराब किया हुआ था ही था, ही डिजर्व्ड इट ब्रो, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। पर मैं यहां से आगे जाऊंगा कैसे भाई, देखो ना साइड से कोई ऑप्शन ही नहीं ऊपर जाने का, और मुझे क्या जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ होगा लाल और काउंसिल वाला बंदा अगर गलती से अभी आगे। ब्रो ये ऐसी जगह है जिसके कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं करते, तुम लोग ऑलरेडी पता है, इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए बचना, मुझे मार देंगे इधर ही, इधर गाड़ देंगे वो लोग। मैं साला यहाँ से आगे जाऊंगा कैसे लेकिन भाई, वेट यहाँ पर ना क्रॉल करने का ऑप्शन है यहाँ पे, एक सेकंड को गाइस, मेरे पास कुछ वुड्स वगैरह पड़ी हुई है, मैं ना फटाफट ट्रैप डोर वगैरह बना के आता हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये आया और इसको यहाँ पे लगा के एक काम करना पड़ेगा मेरे को गाइस, बस इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी मैं यहाँ से आगे जाने वाला, ओ माई गॉड एक्चुअल में एंट्रेंस है यहाँ पे, जितना जल्दी जल्दी हो सकता है। मुझे ना यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा भाई, अगर सामने से कुछ क्रॉल करती हुई आत्मा जैसी चीज आ गई ना भाई, मैं खत्म हो जाऊंगा, आई एम टेलिंग यू, एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल भाई, शोर नहीं करना स्मार्टी को गाइस। काम करता हूं मैं इससे पहले कि कोई पागल सा बंदा यहां पर मेरे पीछे आ जाए, इसको मैं यहां पे लगा के रखता हूं ताकि मेरे लिए सेफ्टी रहे पीछे के लिए। ओके क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहां पे लगा देता हूं, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। एंड नाउ लेट्स जस्ट, ओ ओ व्हाट ये, ओ माय गॉड, ओ शिट डूड, भाई ये क्या है, ये साले ये एंटिटीज वगैरह ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों करती है? ओके ओके ब्रो ब्रो ब्रो, मुझे भाग के जाना पड़ेगा गाइस, ये जो आवाजें यहाँ पे हो रही है ना, आई एम टेलिंग यू भाई, ये आवाजें पक्का उनको अपडेट दे रही होगी कोई ना कोई बंदा यहाँ पे आ चुका है। बाय द वे गाइस, मैंने ना इन्हीं बदसूरतों का आर्मर चोरी किया हुआ, तुम लोग को पता है ये इतना नेक्स्ट लेवल आर्मर है, ये इन्हीं लोगों का है, लास्ट एपिसोड में चोरी किया था मैंने, दैट्स व्हाई मुझे इतना कम डैमेज पड़ रहा है, तब भी मेरे 3-3 4-4 हर्ट्स जा रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल नेदरराइट के अपने आर्मर के साथ आता ना भाई, तो मेरी ऐसी की तैसी होती, मैं डर गया अभी एक्चुअल में इस अभी। ये क्या हुआ, व्हाट ओ वेट ओ शिट डू, नहीं 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 मैं यहां से नीचे नहीं गिर सकता, आराम से व्हाट द हेल इज दिस, ये ऐसा लग रहा है मैं इनफाइनाइट स्पेस में चल रहा हूं। नो मेरे को बस आराम से इसको पार करना है, इन आराम की जगह पे मुझे जल्दी जल्दी करना है भाई, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा गाइस, मेरे को बस कल का राज पता करना है यहाँ पर एग्जैक्टली। ये क्या हो रहा है गाइस, ये एग्जैक्ट सेम चीज आई थिंक मैंने अपने दोस्तों के साथ किया था कुछ टाइम पहले, एक टॉर्चर रूम बनाया था मैंने उनके लिए भाई, ये लोग चाहते बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इनके उस आखिरी वाले राज तक पहुंचे, उसको रोकने के लिए कुछ भी करे भाई, पूरा ट्रिपी काम किया हुआ है। अगर यहाँ पे मेरी जगह पे कोई ऐसा नूब जैसा बंदा आ गया ना भाई, इम्पॉसिबल इन चीजों को पार करना उसके लिए। चल चल एक काम करते गाइस, जरा बकवास ना करते हुए जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर मैं नॉर्मल नेदरराइट के आर्मर के साथ आता
इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए बचना। ए रुको रुको रुको, ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई ठक ठक जैसा कर रहा है यहाँ पे। हेलो ब्रो, व्हाट इज हैपनिंग यार, व्हाट इज हैपनिंग डूड। है ना, ऐसा लगा कि कोई बंदा एक्चुअल में ऐसे ठक ठक कर रहा है, जैसे मुझे कोई बुला रहा है। भाई यार ये कुछ भी रहता है, कोई इल्यूजन है ब्रो। मैं क्या किस जगह पे आ गई मैं? नो 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 ब्रो, मुझे आगे जाना चाहिए। पीछे जाऊंगा तो साला मेरी मौत है पीछे भाई। अब यू टर्न यहां से लेना इम्पॉसिबल है, ऐसा मैं जहां भी गिरूंगा देखी जाएगी। लेट्स गो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके आई एम सेफ। क्या है ये? अबे साले तू कौन है यहाँ पर पड़ा हुआ नीचे मुंह के सामने मेरे? ओह माय गॉड गाइस, मैं इस वक्त एक इनफाइनाइट स्पेस के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। अजी ओके आई एम सेफ आई थिंक। लेट्स गो। और साला जब भी मैं उस लाल वाले के ऊपर कदम रख रहा था गाइस, वहां पे ना मेरे को डैमेज पड़ रहा था। आई थिंक व्हाट आई हैव टू डू इज, पहले मेरे को एक बार रुको, मेरे को जैकेट उतारना पड़ेगा भाई। गर्मी लग रही है, मुझसे पार्कोर नहीं होगा अभी यार, मैं पार्कोर करने के मूड में नहीं हूं। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन एंटिटीज बदसूरतों ने यहां पर जान मुझ के लगाया हुआ है, और अभी तक उनका इन्फॉर्मेशन पहुंच चुका है, हमको स्लो करने के लिए लगाया हुआ उन्होंने। जल्दी करना पड़ेगा इसको। और मेरे को बार बार वो ठक ठक की आवाजें क्यों सुनाई दे रही है भाई? अभी भी आई है आवाज मेरे को। अरे सब कुछ भाड़ में जाए, मेरे को कहे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसको पार। नो 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 मेरे बेटे। शाबाश माटी, शाबाश माटी, शाबाश माटी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ नहीं गाइस, जल्दी करना पड़ेगा अभी। गाइस आगे चलते हो, मैंने अपना ना सारा का सारा काम का सामान नीचे निकाल दिया, ब्लॉक्स नीचे निकाल दिए, वाटर बकेट नीचे निकाल दिया है, बिकॉज कभी भी कुछ भी क्लच क्लूच करने का मौका आ सकता है। वो नीचे निकाल दिया है, कोई भी सामने है उसको पेलने के लिए। माय गॉड ऐसा लग रहा है मैंने, अरे भाई मैं खुद ही को एरो मार रहा हूं भाई, मैं पागल हो गया यार। और अपने आर्मर वगैरह गलती से मैंने नीचे निकाल देते ब्रो, ऐसा लग रहा है हम लोग तो अंदर ही अंदर जाए जा रहे हैं। ये मेरी हंगर बार भी कम हो गई, अपने आप ही कुछ भी हो रहा है भाई इस वर्ल्ड के अंदर अभी फिलहाल को। आई एम नॉट इवन जोकिंग ब्रो, क्या वॉल्केनो ऐसी चीज है यार। इस टाइप के लास्ट टाइम पे जो मैंने वॉल्केनो वगैरह देखे थे, उसी टाइम पे देखे थे जब डार्क हिमलैंड हम लोगों ने खोजा था। व्हाट, ओ माय गॉड, वो साला सामने हुला लाला है। यस ओ माय गॉड गाइस, कंफर्म हो चुका है ये जो सीक्रेट जगह है ना, ये एक्चुअल में होगा लाला, एंड हुला लाला को बिलोंग करती है। साला किल विश यहां पर बना हुआ है, जो कि यहाँ पे थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। ओ माय गॉड, हम लोग ऐसी जगह पे आ चुके हैं ना अभी, एक ऐसी जगह पे इस वक्त हम लोग आ चुके हैं ना जहाँ पे आई थिंक हम लोगों को नहीं होना चाहिए। साले यहाँ पे गोल्डन एप्पल्स क्यों लगे हुए हैं? तो ओके मुझे पता नहीं ये गोल्डन एप्पल उठाने चाहिए थे कि नहीं उठाने चाहिए थे। बहुत ही ज्यादा अजीब सी और बहुत ही ज्यादा ट्रिपी चीज है ये। गाइस हम लोग एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होगा लाला हुला लाला के ठिकाने तक आ चुके हैं, जहाँ पर साला किलविश भी बना हुआ है यार। माय गॉड, ये क्या सामने, ये क्या है, ये कैसा ब्लॉक है, अजीब सा है ना, कितना अजीब सा जैसा, अलग सा जैसा ब्लॉक है भाई ये तो। ओके आसपास देख लो गाइस, यहाँ पे कुछ भी टूट नहीं रहा, ये भी तोड़ नहीं पा रहा, ये भी तोड़ नहीं पा रहा मैं। ये तो होता ही होता है जब भी हम लोग एंटिटीज के उसमें जाते हैं ना, ये होता ही होता है हमेशा, कोई भी चीज हम लोग तोड़ नहीं सकते। काश मैं इसको तोड़ पाता तो कितना। अबे साला ये वो नहीं है ब्लॉक, ये किलविश की मुंडी। वेट अ सेकंड, किलविश की मुंडी इन लोगों के पास कहां से आएगी? हैं तू सेट क्या है वहां पे, वहां पे कुछ दे, ये किलविश की टांग है। हाँ देखो इसकी टांग, ये राइट वाली टांग देखो, देखो लाल लाल उसमें कुछ बना हुआ है। ये देखो ये टी बना हुआ है यहाँ पे जो पायर में, वहां पर भी सेम बना हुआ है। ओ माय गाइस, मैं तुम लोग एक बात बताऊं, मैं तुम लोग एक बात बताऊं, किलविश को जब लास्ट सीजन के एंड में मैंने मारा था ना, तो उसके बाद उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी, और एसजे ने मुझे बताया था कि इस किलविश की बॉडी इन लोगों ने जहां पर भी रखी थी ना, वहां पर या तो किंग ओडिन ने या तो पता नहीं किसने हमला किया और इतना जोर का धमाका किया कि एसजे ने मुझे बोला था कि किलविश की जो बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, एंड वो पता नहीं कहां है, पर मुझे एसजे ने लास्ट टाइम पे बोला था कि उसकी जो बॉडी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरे तरीके से, हम लोग वहां पर देखने के लिए गए थे। ये साले बंदे यहाँ पे किलविश की मुंडी और उसकी पैर को, इसका मतलब समझो तुम लोग गाइस, ये लोग साले किलविश को जिंदा कर रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे किलविश के अलग अलग पार्ट्स को ढूंढ रहे हैं। आई थिंक वो स्कैटर हो चुका है हमारे हिमलैंड्स के अंदर, जब वो धमाका वहां पे हुआ होगा, जो ने मुझे बताया था कि आई थिंक किंग ओडिन ने हमला किया था, शायद से किंग ओडिन ही था गाइस, यस। और उन्होंने बोला था कि वो इतना जोर का धमाका था कि किलविश की बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ओ माय गॉड ब्रो, ओ भाई साहब, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। अरे भाई मेरी हंगर क्यों जा रही है? हेलो
भाई कुछ भी हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर यार, मेरी हंगर बार जा, आई एम सो कंफ्यूज भाई। गाइस मेरे को ना निकलना पड़ेगा यहाँ से, मेरे को जितना जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अगर इन लोगों को लग गया पता, मेरे को इन लोगों को लगेगा सबसे बड़ा राज पता चल चुका। स्वेयर टू व्हाट, ये क्या हो रहा है? प्लीज 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 प्लीज, नो 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 भाई, मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है यार? नो भाई साहब, व्हाट द हेल, ओ शिट, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, व्हाट द हेल ब्रो, ये मेरे साथ हर बार क्या हो जाता है हिमलैंड्स के अंदर? मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल हम लोग हिमलैंड्स के अंदर अलग अलग जगहों पे क्यों जा रहे हैं भाई। ओ माय गॉड, ये क्या है ये? हेलो, ये मैं कहाँ, ब्रो कुछ भी, ये मैं अब कहाँ पर आ गया हूँ यार? आई हैव नो आइडिया, कैसे ऊपर क्या है, इस साइड में क्या है, ये गोला यहाँ पर क्यों है, ये नीचे यहाँ पर क्या है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये हद होगी है भाई, हद होगी है गाइस। ये तो आई एम टेलिंग यू, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है भाई। गाइस ये जगह ना हमारी है तो बहुत काम की जगह, 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग उस कल वाली जगह के अंदर से आए और वहाँ पे ठक ठक वाली आवाज भी आ रही थी। और भाई मुझे अभी जो ये इन्फॉर्मेशन पता चली है ना, ये तो सबसे नेक्स्ट लेवल चीज है भाई। ओके मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना ब्रो, जिस दिन हम लोग हिमलैंड में गाइस 10 घंटे के लिए चैन की सांस लेंगे ना, उस दिन मैं मान जाऊंगा यार, हिमलैंड के अंदर गड़बड़े बढ़ती ही जा रही है। मुझे गाइस कुछ तो दिख रहा है मुंह के सामने, वहां पर इनविजिबल स्टेयर्स लगी हुई है। रुके एक बार, मैं आगे जाने वाला एक बारी, एंड प्लीज बस नीचे मत गिरियो, नीचे मत गिरियो, नीचे मत गिरियो, नीचे मत गिरियो, नीचे मत गिरियो। ओके 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 डूड, भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ भाई, ये हवा में लटका हुआ। ओके आराम आराम चलना पड़ेगा गाइस, यहाँ से आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। देखो यहाँ पे साला इनविजिबल स्टेयर्स दी हुई है, यहाँ पे यहाँ से हम लोग इजिली ऊपर जा सकते हैं, एंड आई थिंक गाइस धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ओके चल, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, लेट्स गो। ओके गाइस टॉप पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, बट यहाँ पर करना क्या है ब्रो, ये क्या जगह है ये, साला ये हर्ट्स क्यों निकल रहे ऊपर, जहाँ पर भी साला ये दिल, भाई ओ वेट अ सेकंड, मैंने जिससे पहले ड्रीम बॉय को मारा था ना, उसका भी ऐसा ही सेम टू सेम हर्ट निकला था, कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं है भाई, कुछ श्राप तो नहीं लग गया मेरे को यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है गाइस, मुझे बद्दुआ तो नहीं लगी ड्रीम बॉय की भाई, ऐसा भी हो सकता है यार। ओके आई हैव टू गो इनसाइड गाइस, आई हैव टू गो इनसाइड, भाई छोटे छोटे पिरामिड्स क्यों बने हुए यहाँ पे। ओके लेट्स गो इनसाइड, यहाँ पे जगह ढूंढनी पड़ेगी मेरे को एक बारी, यहाँ से रास्ता है अंदर जाने का। ओके मैं अंदर तो आ चुका गाइस, और यहाँ से आई थिंक मैं ऊपर धीरे धीरे करके जा सकता हूँ, यहाँ से ऊपर लेट्स गो, और यहाँ से ऊपर जाने का एक और रास्ता है, लेट्स गो। ओके गाइस रास्ता मैंने ढूंढ लिया एक्चुअली आगे जाने का, और यहाँ पर देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये भी कुछ भी टूट नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं टूट रहा है यहाँ पे, यहाँ से आगे जाएंगे शाबाश। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं ना जिस भी जगह पे ही फंसा हूँ, मैं अंदर अंदर जा जाकर खुद को और ज्यादा मुसीबत में फंसाने वाला, बट आई हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस प्लेस ब्रो, जितना चीज़ इस जगह को इन्वेस्टिगेट करूंगा उतना ही बढ़िया मैं नीचे गिर गया, पागल हूँ भाई मैं। और ये गाइस मैं सबसे टॉप वाली जगह पे पहुंच गया हूँ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वेट 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 वेट, ये चीज मेरे को धक्का दे सकती है, ये चीज जो घूम रही है मुझे धक्का देकर नीचे गिरा सकती है। ओके मुझे इससे बच बचा के काम करना पड़ेगा, है ना, एक बार खाना खा ले भाई तू, एंड लेट मी चेक, एंड लेट मी चेक दिस वन टाइम गाइस, ये आएगी, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, ओह मुझे धक्का दे रही है ये मुझे एक्चुअली में धक्का दे रही है। ओके डूड्स मुझे यहाँ पे टाइम पे करना पड़ेगा, ओह माय गॉड वेट 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 वेट, तेरी ऐसी की तैसी गाइस, मुझे हर बार साला छलांगे मारनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके ये जगह क्या है, ये जगह मैं यहाँ पर क्या, ये कैसी बस्ती, मैंने चीर गया। ओके कॉस्मिक फील्ड, व्हाट, नहीं ये क्या चीज है, ओके ये क्या हो रहा है, मेरी स्क्रीन पूरी शेक हो रही है गाइस, आई थिंक हम लोग कहीं गलत जगह पे आ चुके हैं, व्हाट, नो 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 नो, अबे ये क्या है, ये क्या है, नो विज 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 नो विज, चल 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 चल, निकल ऐसे निकल ऐसे, आई थिंक आई एम सेफ, नहीं बट ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा तंग करी, बार बार ऊपर से नीचे गिराने की ट्राई कर रही है चीज मेरे को। ओके गाइस व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे को बस यहाँ पे अभी एक बार और बचना है इससे, नहीं फिर से नीचे गिर गया यार, कमाल है डूड, मेरे को ना यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर करना है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बिना एक्सप्लोर किया गाइस
इस जगह से मैं बाहर तो नहीं निकल सकता, ये तो गारंटी है मेरी। ऑल राइट गाइस, तो मुझे काफी सेफ जगह फिलहाल को यहाँ पर मिल चुकी है एनालाइज करने के लिए। ब्रो नीचे क्या है ये? मेरे को नो आइडिया ब्रो, नीचे क्या है? साला ये दिल यहाँ पर क्यों निकल रहा है? ये मुंह के सामने क्या है? I have no idea। मेरे को यहाँ से आगे जाना है। What the hell, इस पे विदर बना हुआ है। ओके गाइस, अभी गाइस मैं बस यहाँ से एक बार आगे जाके एक बार चेक करना चाहता हूँ इस जगह पर। यहाँ पर ना अभी मैं नीचे गिर सकता हूँ। Have to make sure कि बस मैं नीचे ना गिरूँ यहाँ से। बस नीचे ना गिरूँ तो मुझे नीचे नहीं गिरा सकता। शाबाश। ये क्या चीज है? ए, गायब हो गया। What? मतलब ओके, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। आई हैव नो आइडिया ये क्या चीज है, बट ये जो भी चीज में विदर बना हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं अपनी इन्वेंटरी में भी फिलहाल यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कहाँ फंस गया ब्रो? इन्फिनाइट ऊपर मुझे कुछ नहीं, स्काई काला स्काई दिख रहा है। और ये दिल यहाँ पर क्यों गाइस? आई डोंट नो भाई, मैं ना ऐसी जगहों पर ही क्यों फंस जाता हूँ। साला किसी ने मुझे धक्का मारा है। नो 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 नो, टूट 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 टूट, ये टूट नहीं रहा है। ओ माय गॉड। ओके ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा स्मार्टी, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ हो ही नहीं सकता है, किसी के बाप में दम नहीं भाई तेरा कुछ करने का, समझाना। हम लोग बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल वॉरियर्स है। हम लोग यहां से मुझे सेम आवाज है। मैं यहाँ पे कुछ प्लेस नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं यहाँ पे पानी भी प्लेस नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग्स एवर डूड। ये मैं यहाँ पर कहाँ पे आ गया भाई? मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता हूँ अब, बिकॉज मैं पानी प्लेस नहीं कर सकता, कुछ भी प्लेस नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता हूँ मैं यहाँ से। ओ डूड, ओके मुझे अब यहाँ से बिग ब्रेन करके बाहर निकलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ओह माय गॉड, नीचे देखो भाई, नीचे कुछ तो बना हुआ है। दिमाग लगा स्मार्टी, दिमाग लगा। ओके दिमाग लगा, जस्ट थिंक स्ट्रेट। ओके तू सोच सकता है, तू यहाँ से बाहर निकल सकता है, तेरे लिए सब कुछ आसान है। हम लोग का गाइस अपने पूरे हिमलैंड्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे झोंकना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस डार्क जगह के अंदर से इस जगह पर आए हैं, तो यहाँ से बाहर निकलना इजी तो नहीं होगा। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, लाइक डिटेल्स, हर एक छोटी से छोटी डिटेल पे फोकस करना पड़ेगा। ब्रो तुम लोग की अजीब सी चीज दिख रही है मुझे सामने, ये साला चेस्ट है ये। ओ माय गॉड, ये पर्चे वगैरह मैंने ऊपर डाल दिए हैं, किसी काम के नहीं है। कुछ TNTs ऊपर डालते गाइस। एक गोल्डन एप्पल था, आई डोंट नो व्हाई गोल्डन एप्पल की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं थी। ओ मोल्टन फिशिंग। भाई ये कैसी आवाजें आ रही है यार, मैं डर रहा हूं यार। एक फायर रॉकेट है यहाँ पे, एक स्लाइम दिया हुआ है भाई, कुछ भी यार। ओके ये चारों की चारों चीजों को गाइस मैं नीचे निकालने वाला हूं, ठीक है ना गाइस? बिकॉज आई डोंट नो फिलहाल को कि इनका क्या काम हो सकता है यहाँ पे। ओ वेट अ सेकंड, ऊपर एक टारगेट ब्लॉक दिया हुआ है। टारगेट ब्लॉक का मतलब है गाइस कि हम लोगों को उसको हिट करना है किसी भी चीज से, है ना? और मेरे पास ऐसा क्या है जिससे मैं हिट कर सकता हूँ टारगेट ब्लॉक? मेरे पास बो दी हुई है, मैं यहाँ पे शायद से बो से इसको हिट कर सकता। वेट गाइस, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ बट मैं इस बो का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। ऑफकोर्स ये इतना आसान होता तो कितना कोई भी कर। हमारे को फायर रॉकेट दिया हुआ है। वेट, दिमाग लगा स्मार्टी। फायर रॉकेट दिया हुआ है, फिशिंग रॉड दी हुई है, स्लाइम ब्लॉक दिया हुआ है। ओ आई गॉट इट, क्या मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? लेट्स गो, ये एक्टिवेट हुआ है ऊपर, पर इसे हुआ क्या होगा? आई हैव नो आइडिया गाइस। वहां पर ना एक डिस्पेंसर लगा हुआ था इससे पहले जो मैंने देखा था, और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी एक्टिवेट हो चुका है मुंह के सामने, ये इससे पहले एक्टिवेटेड नहीं था। इसका मतलब है कि आई थिंक अगर ये एक्टिवेट हुआ है तो रेडस्टोन की वजह से एक्टिवेट हुआ है, रेडस्टोन एक्टिवेट हुआ है तो ऊपर डिस्पेंसर एक्टिवेट हुआ है, डिस्पेंसर एक्टिवेट हुआ है तो उससे कोई ना कोई चीज अंदर से बाहर गिरी होगी। मैंने चेक क्यों नहीं किया इससे पहले गाइस? आई थिंक मेरे को फिशिंग रॉड से उस चीज को खींचना पड़ेगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, सो आई हैव टू मेक श्योर कि टूटे ना। व्हाट आई एम गोना डू इज कि यहां से मैं इसको फेंकूंगा। नहीं, यहां फंस गया मुंह के सामने। ओके टूट रहा है ये, नहीं टूट नहीं रहा है। 99 ड्यूरेबिलिटी है इसके अभी तक। इसको यूं फेंकेंगे और ये फंस जाएगा वहां पे किसी चीज पे। आई डोंट नो कोई चीज थी वहां पे कि नहीं थी यार। कुछ आया यहाँ पे? मेरी इन्वेंटरी में तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। ये मैंने फंसाया, आई डोंट नो कुछ आया कि नहीं आया। ए व्हाट, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, ओ शिट डूड दैट वाज गुड यार। तूने देखा उड़ के अपने आप ही गाइस, ये बहुत तगड़ी चीज। और यहाँ पर मैं इसको प्लेस भी कर सकता हूँ। लेट्स गो, ओ माय गॉड, वाला भाई ओपी है भाई। एंड आई थिंक मेरे को बस छलांग मार के नीचे क्लच मारना है, क्लच मारना। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम्हारा भाई ओपी है भाई। अब यहाँ से आगे देखो भाई, चार रास्ते मेरे को यहाँ पे दिए हुए तो हैं,
ओके यहाँ पर कुछ भी नहीं नीचे, ठीक है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरी साइड चले एक बारी, नीचे कॉब वेब्स दिए हुए। न न न न न फंसूंगा नहीं मैं इसमें। यहाँ पर साला एक, और चौथे वाले में क्या है गाइस देखना चाहूंगा मैं एक बारी। पानी, ओ यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो गाइस मैं तुम लोग एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ, साला जो एक खाली वाला ऑप्शन है ये मरने वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पर आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता है, आई एम टेलिंग यू। मेरे पास एक आइडिया, मैं अभी थोड़ा दिमाग लगाने वाला हूँ। मैं इसको अगर यहाँ से नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा, लेट्स सी। गायब हो गया, देखा साले नल्ले कहीं के, ये बेवकूफ बनाने की स्कीम, आई एम टेलिंग यू। यहाँ के लिए गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ये पड़े हुए ना बहुत सारे, भाई साहब इसको नीचे फेंकेंगे एक बारी, कुछ होता है। गायब हो गया। ओके डूड तुम्हारे भाई दिमाग वाला तो है। अभी मेरे दो रास्ते और बचे गाइस, पानी वाला और एक वाला, मैं पानी वाले पे डालने वाला एक बारी। इधर इसको फेंकूंगा नीचे, कुछ होता है जरा। गायब हो गया गाइस, मुझे लिटरली वो दिखानी है। इसका मतलब हमारा ये वाला सही ऑप्शन है। मेरे पास आर्म इतना तगड़ा है कि इसको तो मारूंगा बेटे। ओह गोलम किलर है भाई इसका नाम है पे। चल पकौड़े ऐसी की तैसी तेरी, एंड वी आर सेफ एवरीबॉडी, वी आर सेफ। तो चलो गाइस यहां से नीचे चल के देखते हैं एक बार। ये क्या चीज है, अबे साला ये क्या है ये? नो 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 प्लीज प्लीज प्लीज। ओके गाइस आई एम गोना डाई, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। ब्रो मेरी हिमलैंड्स की जर्नी खत्म हो जाएगी, साइड में आना पड़ेगा। ओके यहां से मुझे देख नहीं सकते आई थिंक। ओ माय गॉड मुझे बाहर जाने का रास्ता निकालना पड़ेगा। नो नो ओके बॉयज आई एम गोना डाई ब्रो, आई एम गोना डाई, आई एम गोना डाई। क्या ये, ओके रास्ता ढूंढ, रास्ता ढूंढ, रास्ता मिला मेरे को। चल चल नीचे, चल नीचे, चल नीचे, चल। ओ बंद कर इसको, बंद कर इसको। ओ शिट डोंट, सारे के सारे बाहर आ चुके हैं। चल 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 ब्रो। ओ भाई, ओ माय गॉड गाइस दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स जब मैं हिमलैंड में इतना ज्यादा डरा। वो साले बाहर आ गए थे नल्ले सारे के सारे। ओके आई एम स्टक, आई एम स्टक हियर। भैंस की आंख, मैं यहां से आगे जाऊंगा कहां पे ब्रो? डोंट टेल मी कि मुझे वहां से वापस से ऊपर जाना है उन बदसूरतों के बीच में। ब्रो सही टाइम पे मैं बाहर निकल गया, वरना इन बदसूरतों ने मेरी बैंड बजा देनी थी अभी यहाँ पे। साले ये म्यूटेंट बंदे रखे हुए हैं इन लोगों ने, और मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला हूँ, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से ऊपर। देखो यहाँ पे किसी की बदसूरत का पैर दिख रहा है मेरे को। चल 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 यहाँ चल भाई, मैं ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला गाइस। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या जगह है। देखो यहाँ से आगे हम लोग जा भी नहीं पा रहे, खुली। व्हाट ये क्या गुमराह किया हुआ है भाई इन लोगों ने हमको। नीचे पानी दिया हुआ भाई, मैं ना ऊपर की जगह में नीचे जाना जरूर प्रेफर करूंगा। सो लेट्स जस्ट गो डाउन। अगेन हम लोग किसी गुफाई वाले सिस्टम में आ चुके हैं ब्रो। ओ माय गॉड तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे भाई साहब। ओके ये मेज नहीं है, ये गुफाओं की मेज है। क्या ये नल्ला फिर से, नल्ले तू फिर से आ गया। इन मच्छरों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मार सकते हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग मुझे मार सकते हो? पकौड़े चल। अरे भाई मैं उसको एक बार टच भी नहीं कर पा रहा है। तू मेरे को मारेगा, तू मेरे को मारेगा, तू मेरे को मारेगा। आजा आजा आजा, तेरे पापा का पापा हूं मैं, समझा? उसको दादाजी बोलते हैं, दादाजी बोल मेरे को। चल। अरे भाई मैं उसको टच भी नहीं कर पा रहा, कसम से मेरी सेंसिटिविटी बहुत बेकार है मेरे माउस की यार। इसको तो मैं भी ना, आजा। ओ भाग रहा है, ओ मेरा बेटा भाग रहा है। तू ना, तू बेटा मुझे अगले साल तक भी अगर मार लेगा ना भाई, अपना नाम चेंज करके ना मैं कुछ भी रख दूंगा, समझा? फंस गया, अब फंसेगा। आजा 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 मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे। हाँ हाँ ब्लॉक लगा दे, ब्लॉक लगा दे मेरे बेटे। हमको तो जैसे चलना ही नहीं आता है ना, हम तो अनपढ़ है। आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे। तेरी ऐसे की तैसे ही पकौड़ा कहीं का। इन लोगों का ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, ये लोग मुझे मार सकते हैं, ये लोग मुझे मार सकते हैं? नहीं मारेगा बेटा अभी तो, अब तू गया, तेरा अंतिम दिन है इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर, समझा ना? साला यहाँ पे इसकी निगरानी रख रहा, वो भी कौन? ये नल्ला बंदा, ये बंदा तू मारेगा। अरे भाई तूने मेरा एक भी हर्ट नहीं खाया तब से लेके पकौड़े, क्या करेगा तू? है कर क्या सकता तू मेरा? व्हाट? ओके दैट वाज ट्रिपी, ये जो भी था। ओके मैं निकल रहा हूं यहां से भाई। साले ये जगह बंद है, ये जगह पूरे तरीके से बंद है, मैं यहां पर क्यों आया हूं? लेकिन अभी ओके आई थिंक देयर शुड बी समथिंग हियर यार, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना यहां पे जो चीज के लिए हम लोग यहाँ पे डाला गया है। ओ माय गॉड ये बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े गुफाएं हैं, यहाँ भी खत्म होगी ब्रो। ओके Why am I here? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो हम लोगों को एक्चुअल में करना है। क्या गुफाएं हैं भाई, फालतू की गुफाएं दी हुई है कसम से। ओके ये वाली ब्रांड नहीं। ओह ये छेद है यहाँ पे। ओके यहाँ पे छेद है। एंड ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज दिस प्लेस ब्रो, व्हाट द हेल, ये क्या है नीचे? ओ वो कौन है नीचे? ओके मैं देख नहीं पा रहा उसको।
ओ माई गॉड, कौन है ये? एक सेकंड रुको, कौन है ये? ओ शिट डूड, ये मुझे क्वीन जैस्मिन जैसी क्यों लग रही है? ओ शिट, इसी की आवाज थी? इससे पहले वो ठक ठक की आवाजें जो आ रही थी हम लोगों को यही कर रही थी शायद से। देखो दोबारा से बिकवा दी आवाज। ओ माय, जैस्मिन हेलो, क्वीन जैस्मिन हेलो, इधर ऊपर 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 देखो, ऊपर देखो, हेलो क्वीन जैस्मिन। भाई ये पक्का क्वीन जैस्मिन, ये आवाज क्यों नहीं सुन रही है? क्वीन जैस्मिन अगर आप हो मैं स्मार्टी पाए ऊपर यहाँ पे। ओ देख रही होगी, ये हाथ कैसे हिला रही है अपने? भाई मेरी आंखें चमक रही है कि क्या हो रहा है ये? हेलो वेट, आंखें मत ले दोनों के एक बार ढंग से। व्हाट या क्वीन जैस्मिन, ये आओ बचाओ। ओके क्वीन जैस्मिन, मैं ही हूँ, मैं स्मार्टी पाया हूँ, ठीक है ना? मैं आ रहा हूँ, मैं आई एम कमिंग टू सेव यू। ओके टेंशन बिल्कुल मत लो, कुछ भी करके बचाओ मुझे प्लीज, मैं आ रहा हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बट मैं नीचे जाऊंगा कैसे? मैं नीचे, वेट, मैं पर्ल मार के जा सकता हूँ, बट अगर मैं पर्ल मार के गया तो साला ये आसपास के जो ये फालतू के चीजें हैं ये फटनी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ये फट गई तो मैं मर जाऊंगा, और हो सकता है क्वीन जैस्मिन भी धक्का देकर नीचे गिर जाए। कोई बात नहीं, कुछ जैसे रो रही है ये, एक्चुअल में रो रही है ये। ब्रो आई कांट सी हर क्राइंग यार, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है भाई। मैं आ रहा हूँ क्वीन जैस्मिन, टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ, पर मैं कैसे आऊंगा भाई नीचे? रुको एक बारी, मैं कैसे आऊंगा? ओ पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग मार के आऊंगा मैं, 1 2 3 जैस्मिन जी आई एम गोना कम। ओके मैं बहुत धीरे धीरे करके आ रहा हूँ। ओके मैं ना एकदम गलत वाली जगह पे चला गया, बट मैं यहाँ पे आराम से आ जाऊंगा। ओ माय गॉड भाई, मेरे को अभी डर लग रहा है, अगर यहाँ पे गलती से भी लेफ्ट क्लिक हो गया ना, या कोई बदसूरत ऊपर से आ गया जिसने यहाँ पे कुछ क्लिक क्लुक कर दिया, भाई ऐसी की तैसी लग जाएगी हमारी यहाँ पे, आई एम टेलिंग यू। ओ शिट, अरे क्वीन जैस्मिन आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड दो बस, मेरे को छलांगे मार के आना पड़ेगा। ओके अरे मैं भूल गया, मेरे पास स्लो फॉलिंग लगा हुआ है जैस्मिन जी, आई एम गोना कम। ओ माय, वेट अ सेकंड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं यहाँ पे आ तो गया पर मैं भी यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? हेलो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मैं तो यहाँ पे शायद पानी भी प्लेस नहीं कर सकता हूँ, मैं पानी प्लेस लिटरली नहीं कर पा रहा हूँ। होले, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा भाई, ये साला, ये सारे कांड हमारे साथ ही क्यों होते हैं? मेरे तो दिमाग में ही नहीं आई ये चीज कि भाई मैं नीचे एक बार गिर। ओ माय गॉड, इससे बढ़िया मैं ऊपर से कुछ जुगाड़ करता, पानी फेंकता, इस नीचे लावा को कन्वर्ट करता, मैं और ये दोनों के दोनों यहाँ फंस चुके हैं। नो, कोई नहीं, कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे हम लोग, ठीक है ना? आपने खाना खाया इतने दिन से, लेके लो ये खाओ, ठीक है? इसको खाओ और आराम से अपनी हेल्थ वगैरह बढ़ाओ आप। मैंने आपको भी मुसीबत में डाल दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने मुझे कोई मुसीबत में नहीं डाला है। आप मुझे बस बताओ तो सी, आप यहाँ पर आए कैसे? ब्रू व्हाई आर यू हियर, इस जगह पे कैसे आए? फालतू की जगह पर जहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल है गाइस, यहाँ से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, आई थिंक सो। बताते हो सब, सुनो मुझे सब कुछ जानना है। ऑल राइट गाइस, तो क्वीन जैस्मिन से मेरी बात हो चुकी है, तुम लोग हैरान हो जाओगे सुनकर कि इसको यहाँ पर इन बदसूरतों ने क्यों कैप्चर किया हुआ है। तो गाइस बात ही है, पहली बात तो उसने मुझे बोला है कि 4 महीने से बंद है यहाँ पर, इसको खाने पीने के लिए ना महीने में एक आधी बार देते हैं चीजें, इसीलिए यहाँ पर लेटी लेटी क्या बोल रहा हूँ, मतलब बैठे बैठे रो रही थी भाई ये बंदी यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई कोई इसको बचा नहीं सकता है। ये बोलते कि भाई मैंने बहुत मैसेजेस वगैरह किए, किसी को मेरा मैसेज तक भी नहीं जा रहा यहाँ से, क्योंकि बेसिकली तुम लोग मान के चलो डार्क प्लेस है ये वाली बहुत ज्यादा, तो इसकी एक रेंज है बेसिकली यहाँ पे, अदरवाइज कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते किसी के भी साथ यहाँ से। एंड गाइस क्वीन जैस्मिन को इन लोगों ने यहाँ पर बंद इसीलिए किया हुआ है क्योंकि तुम लोग मान के चलो इसके किंगडम के ऊपर भी हमला किया था इन काउंसिल वाले एंड होगा लाला वगैरह ने, क्योंकि तुम लोगों को पता है जो बहुत ही ज्यादा बड़े किंगडम की मालकिन है, तो इसके पास बहुत सारी चीजें ऐसे जो एंशियंट चीजें, एंशियंट नॉलेज है, एंशियंट बुक्स है, जिसके अंदर बहुत सारी बारीक डिटेल्स है, लाइक हाउ टू कॉन्कर द वर्ल्ड की, तुम लोग मान लो बहुत डेंजर नॉलेज है, तो इसके पास वो की थी, इसने वो की देने से मना कर दिया। तो गाइज इसको इस जेल में रखा है जब तक ये बताएगी नहीं, इसको टॉर्चर कर रहे थे यहाँ पे एंड अभी तक इसने उसको बताया नहीं, तो ये बोल रही है कि वो लोग दोबारा से वापस आएंगे, जैसे अगर तो उनको गलती से लग गया पता कि तू स्मार्ट यहाँ पर आया हुआ है तब तो वो पक्का अभी आने वाले यहाँ पे, तो भाई हम लोग यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड गाइज हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे अभी कि यहाँ से तो बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, नीचे तो लावा है, हम तो मर जाएंगे। तो गाइज इसने मुझे बताया, मैंने इसको सारी डिटेल बताई, तो देखो गाइज यहाँ पे ये विदर बाइक है मेरे पास, विदर बाइक, लिटरली हम लोग इसकी हेल्प से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और ये बहुत ही, देखो यहाँ पे ताली हो जा रही है, ओ माय गॉड ये एक्चुअल में काम करने वाला है, तो मुझे पता तो नहीं फिलहाल को कैसे होगा ये, आप बताओ जरा कैसे होगा ये, पकड़ो आप और मुझे बताओ इसका इस्तेमाल करना कैसे है,
इसने मेरे को बोला ये बहुत ही डेंजर चीज है, डरियो मत तू, पर मेरे को लगा होली शिट डूड व्हाट जैस्मिन जी मुझे देखो नीचे आप विदर पे बैठ के, और ये असली विदर है बाय द वे, ये साला असली विदर है, ये मुंडी घुमा रहा है अपनी, रुको मैं भी आऊंगा इसको इसको यहाँ पे कैसे डालते हैं भाई, हो जा समान हो जा तेरी पकौड़े हो नहीं रहा ब्रो, इसको मैं ओ शिट हो यस जैस्मिन जी ओके, हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं गाइस, और हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाय द वे जैस्मिन ने मेरे को बोला कि ये जो वेदर है ना, ये एक्चुअल में यहाँ के जो मॉन्स्टर्स वगैरह ना, ये इनकी राइड है, अगर मैं इसको मारूंगा तो मैं इसको, देखो यहाँ पे असली है, ये देखो भागेगा, ये देखो भाग रहा है ओके इसको हम लोगों को यहाँ पे बाहर निकालना है, वापस आ बदसूरत तेरी ऐसी की तैसी, यस लेट्स गो वेदर बाइक, ओ माय गॉड दैट वाज एपिक यार। तो इसको बेसिकली अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, लेकिन मेन सवाल हमारा ये है, जैस्मिन जी आ जाओ मैं यहाँ से आया था बाय द वे, अभी मैं यहाँ से आया था, हम लोग दोबारा से विदर बाइक का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। अच्छा आ जाओ भाई, यहाँ पे इस पे बैठेंगे और यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं ब्रो। ओ माय गॉड भाई, पर ये ना चीज है जो भाई, ये जो चीज है ना भाई, साला असली के विदर के ऊपर बैठा हुआ ऐसा लग रहा है, ये मॉन्स्टर्स वगैरह की क्या मत, ये मर गया इसका वाला मर गया, ये नो चल वापस। अबे भाई मेरे क्या हो रहा है, ये ऐसी की तैसी भाई, इतनी अच्छी राइड मिली थी मेरे को, फाइनली साला मर गया यार वो। ओके जैस्मिन जी आई डोंट थिंक सो कि हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर ओ माय गॉड बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं कोई, आई थिंक हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। अंदर आ जा जैस्मिन, अंदर आओ जस्ट कम बैक। वेट जैस्मिन, इससे पहले साला यहाँ पर एक बंदा मेरे पीछे पड़ा था, मैंने उसको इतना मारा कि वो बंदा ना दीवार के आर पार गया, मैं भी हो सकता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता हो। क्या बोल रही है, कुछ तो कैसे मुझे बोल रही है, रुको बताओ जरा क्या बोल रही है। ऑल राइट गाइस, तो क्वीन जैस्मिन ने मुझे बोला कि जब ये यहाँ पर नीचे उसको जेल में डाला हुआ था ना, बेसिकली वो जेल ही थी एक हिसाब से, बहुत अजीब सी जेल थी, लेकिन वो वहां से जहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, तो उसने बोला कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आ रहे थे इसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि वो की कहाँ पर इसने रखी हुई है। तो बेसिकली इसने बोला है कि वो इसी मेज के अंदर से आ रहे थे, उनके नेम दिख रहे थे ना, क्योंकि और एक जगह से गायब हो रहे थे, तो हो सकता है ये यहाँ पर एक्चुअल में हो, ये वाली जगह है वो सामने, वो इस दीवार के थ्रू सीधा आर पार हो गया भाई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, बट ये ऐसा पॉसिबल है कि ओ शिट भाई ये इल्यूजन है। चल क्वीन जैस्मिन जी, वी आर लीविंग दिस प्लेस गुरु, दिस इज अ हेल प्लेस यार, यहाँ से हम लोग फटाफट निकलते गाइस, और आई थिंक हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आई डोंट नो, पर मुझे बाहर जाना है यहाँ से यार किसी भी हालत में, जल्दी आओ क्वीन जैस्मिन जी। ओ माय गॉड लेट्स गो, हम लोग कहां पर है अभी, यहां पर, ओ माय गॉड दिस इज परफेक्ट, आ जाओ जैस्मिन जी, ये हम कहां आ गए स्मार्ट डीजे, अरे क्वीन जैस्मिन जी, ओ शिट साला ये वही जगह है, जल्दी बाहर आओ, ये वही जगह है जहां से मैं आपके पास आया था एक्चुअल में। ओके वी आर इन द परफेक्ट प्लेस, हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे, अरे आपस मेरे साथ चलो, मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया है, जिस तरीके से गाइस मैं फर्स्ट टाइम पे यहां से बाहर निकला था, मैं वैसे ही बाहर निकलने वाला हूँ, वैसे ही सेम आई थिंक वो काम करना चाहिए। ये बस मैंने कुछ पर्ल्स वगैरह नीचे निकाली, सुनो पर्ल पकड़ो जल्दी और पर्ल मार के ऊपर आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटैक से आ जाओ। ओके ब्रो आई एम टेलिंग, अरे भाई अभी मुझे सामने वो दिख क्यों नहीं रही है, डोंट टेल मी कि ये कोई अलग सी जगह तो नहीं है। जैस्मिन मेरे साथ रही हो, प्लीज जल्दी आओ आप भाई, जगह तो ये वही है जो मुझे माई का सामने, देखो डरना मत माय गॉड ये बहुत क्रीपी है ये जगह, ये बहुत, आ जाओ जैस्मिन जल्दी आओ एंड आई थिंक यहीं पर कहीं पर वो जगह है जहां पर हम लोग अटकने वाले हैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। आई वांट टू सी धरी के धरे वो एग्जैक्ट यही जगह है, ये देखो यहां से आगे हम लोग जा नहीं सकते क्वीन जैस्मिन जी, और यहां से आगे हम लोग कुछ प्लेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग पर्ल मार के आगे जाएंगे ना, तो हम लोग वापस बाहर टेलीपोर्ट हो जाएंगे, आप आ जाओ बस मेरे साथ, बस जैस्मिन जी कुछ नहीं करना है, सामने पर्ल मारो एंड आई थिंक हम लोग बाहर के लिए टेलीपोर्ट हो जाएंगे। सब कुछ मेरे सामने वाइट हो चुका है, लेट्स गो, हम लोग बाहर आ गए भाई, लेट्स गो क्वीन जैस्मिन, वी आर आउट ऑफ दैट हेल्प प्लेस ब्रो, वी आर आउट ऑफ दैट हेल्प, अभी हम लोग वापस जाने वाले गाइस। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं क्वीन जैस्मिन मेरी और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड बातें हुई थी, एंड
ये बहुत अच्छा हुआ कि क्वीन जैस्मिन को हमने बचाया, क्योंकि क्वीन जैस्मिन के किंगडम से इतनी तगड़े वाली इन्फॉर्मेशन ये लोग लेने वाले थे ना। एंड बाय द वे, क्वीन जैस्मिन ने गाइस कंफर्म किया ये चीज़ को कि वहाँ पर वो, तुम लोगों को याद है लास्ट एपिसोड में इतने सारे वो आर्मर स्टैंड्स, वो आर्मर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी एक बहुत बड़ी आर्मी के लिए। इसने बोला है कि बहुत बड़ी आर्मी को लेकर ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। मत सोचना गाइस कि आएंगे और हमको मारने के लिए, सीधा आर्मी को लेकर आएंगे, तो बहुत बेसिक चीज़ है। ये बोल रही है कि इस बार इनका कुछ इतना बड़ा प्लान है कि सबको तड़पा तड़पा के मारने की प्लानिंग है इन लोगों की। कुछ तो बहुत बुरा करने वाले ये लोग, और मारेंगे नहीं, खत्म करके मारेंगे। मतलब क्या ही बोलूं मैं तुम लोगों को भाई। एंड गाइस सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि क्वीन जैस्मिन हमारे साथ है, और अभी गाइस क्वीन जैस्मिन के पास इतनी बड़ी आर्मी है ना कि हम लोगों के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल चुकी है यहाँ पे सर्वाइव करने की। क्यों क्वीन जैस्मिन जी, क्या अभी व्हाट, हेलो व्हाट हैपेंड ये क्वीन जैस्मिन जी, हेलो, ये रो रही है, क्या हुआ क्वीन जैस्मिन जी? आप बर्फ के ऊपर क्यों बैठे हो यार, ठंडा हो जाएगा पिछवाड़ा यार। हेलो क्वीन जैस्मिन जी, भाई ये रो रही है, ओ माय गॉड, आई थिंक कुछ ना कुछ तो हुआ अभी यहाँ पे। क्वीन जैस्मिन व्हाट, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है, हैं? मुझे लगता नहीं गाइस कि अभी ऐसे बताने वाली है ये। ओके मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा गाइस, मैं सोचा मैं इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में पता चलेगा कि क्वीन जैस्मिन रो क्यों रही है। जो जिस भी रीजन से रो रही है ना भाई, मैं उस रीजन को उखाड़ दूंगा इस दुनिया से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्वीन जैस्मिन जी आपको दोबारा से हंसाऊंगा, मुझे बताओ तो सही। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ तो मैं कांड करने वाला भाई। जिसने भी इसको रुलाया है ना, उसकी दुनिया उखेड़ दूंगा मैं। मिलता गाइस मैं तुम लोगों से ऐसी धासन खड़े, बाय मैन। क्वीन जैस्मिन मत रो यार प्लीज।